हेलो दोस्तों, आज मैं इस स्नैक्स की रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इवनिंग स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये लिया है व्हीट फ्लार, गेहूँ का आटा, इसमें मैं ले रही हूँ बेसन। जितना आटा लेंगे उससे हाफ़ बेसन और उससे हाफ़ लेंगे सूजी। मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसे अच्छा से मिक्स करके इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ मैं। उसके बाद मैं चिली फ्लेक्स डाली हूँ। अजवाइन क्योंकि इसे डीप फ्राई करेंगे तो डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए अजवाइन मैं डाल रही हूँ उसमें। उसके बाद ऑयल, हल्का सा गर्म ऑयल इसमें मैं डाल रही हूँ, 3 से 4 टेबल स्पून होंगे ये ऑयल। उसके बाद अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे अच्छा से एक मोयन दी हूँ मैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। आप चाहे तो इसे स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को आप टिफ़िन में भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और इसे मैं डाल रही हूँ मिल्क, इसे दूध के साथ में अच्छा से इसे गूँथ लेंगे। और बहुत नरम नहीं गूँथना है, आप देख सकते हैं मैं मोयन को हल्के हल्के दूध डाल के इसे गूँथ रही हूँ, क्योंकि इस बैटर को हम लोग को बिल्कुल हार्ड बनाना है। सेमी हार्ड रखेंगे, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड भी नहीं करेंगे। अच्छे से गूंथ लेंगे। देखिए मैं इसे अच्छा से गूंथ ली हूँ। इसके बाद इसे मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम नहीं है और बिल्कुल हार्ड भी नहीं है। बस इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसे मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी। अब फिलिंग रेडी करेंगे। ये बॉयल आलू ली हूँ मैं। इतनी टेस्टी लगती है स्नैक्स खाने में, हेल्दी तो है ही है, साथ में इसके जो स्वाद है माउथ मेल्टिंग, बहुत ही टेस्ट लगता है इसे खाने में। बहुत ज़्यादा ही मैंने कोई सामान यूज़ नहीं किया, सिंपल रेसिपी है। आलू के साथ मैंने खूब सारा धनिया पत्ती ऐड किया है, नमक ले रही हूँ, हल्दी, बेसिक मसाला लाल मिर्च। अगर आपको बाद में बनाना है, अगर कुछ टाइम बाद में बनाना है तो आप नमक बाद में ऐड कीजिएगा, बनाने से फिलिंग भरने से पहले पहले ही आप इसमें नमक ऐड कीजिए, क्योंकि नमक ऐड करेंगे तो पानी छोड़ने लगेगा तो रेसिपी उतनी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। और मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा मैंने इसमें फिलिंग बनाया है। आलू बेसिक सा मसाला है, धनिया पत्ती, कसूरी मेथी। अगर आप, मैं बच्चों के लिए बना रही इसलिए मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऊपर से डाली हूँ, मैं ग्रीन चिली नहीं डाली हूँ चॉप करके। आप अगर चाहे तो इसमें चॉप करके बारीक बारीक ग्रीन चिली डालिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। और एक स्लरी बना रही हूँ मैं, इसमें डिप करेंगे हम लोग, जिसमें मैंने कॉर्नफ्लावर, बेसन और सूजी तीनों को मिक्स किया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के, और इसमें मैंने पानी डाला है। डाल के इसे मिक्स करके साइड में रख लेंगे। अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, आटा को भी मैं अच्छा से रेस्ट कर लिए है आटा, उसको मैं गूँथ रही हूँ। आटे के सारे से अच्छा से फिर से गूँथ लेंगे, थोड़ा सा नरम कर लूँगी। और मैंने इस बैटर का 2 लोई बनाई हूँ। 2 लोई लेके पहली लोई को मैं अभी बेल रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं बहुत आराम से मिला जा रहा है। चारों सबसे से अच्छा सा बेल लेंगे रोटी के आकार में, रोटी से थोड़ा सा मोटा रखेंगे। हम लोग जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मैंने इसमें हल्का सा मोटा रखा, और ऊपर से मैं इसमें बेसन ऐड की हूँ, हल्का सा बेसन इसमें ऐड करके, और जो फिलिंग हम लोगों ने बनाया था उसे मैं ऐड कर रही हूँ। आलू का फिलिंग को चारों साइड से फैला देंगे। अब इसे एक टाइट सा रोल बनाना है। देखिए बिल्कुल टाइट सा रोल बनाना, आप देख सकते हैं ना मैंने तेल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना सूखा आटा यूज़ किया है। इस रेसिपी को किसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आटा भी गूंथेगा और फिलिंग्स भी बहुत अच्छे से आएगी। और इसे टाइट करके इसे रोल बनाना है। देखिए एक रोल बना रही हूँ, साइड से अच्छा से पैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर साइड से अगर मसाला निकल भी रहा है तो, क्योंकि साइड का हम लोग को कट करके निकालना ही है,
देखिए मैं अच्छा सा टाइट सा एक रोल बना दी हूँ, उसके बाद इसे कट करेंगे। साइड का पार्ट तो एक्स्ट्रा है, उसे मैं निकाल दूँगी। अब इसे मैं कट कर रही हूँ। सभी को अच्छे से कट कर लेंगे। आप चाहे तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा डीप फ्राई करूँगी। एयर फ्रायर में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, अगर आपको ऑयल नहीं खाना है तो आप इसे एयर फ्रायर में रख के इसे आप फ्राई कर लीजिए। हल्का सा ऊपर से तेल लगा के देख सकते हैं सबको मैं कट कर ली हूँ। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब दूसरे लोई को लेके मैं दूसरे रोल बनाऊँगी, तब तक उसे फर्स्ट वाले को फ्रिज में रख, इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे लोई को भी लेके मैं अच्छा सा बेल रही हूँ। इसे भी सेम प्रोसेस, वैसे ही फिलिंग भरेंगे, वैसे ही टाइट से रोल करना है और फिर से कट करना है। कट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो अच्छा से ये और सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स आप ये ब्रेकफास्ट में बनाइए, चाहे किसी में भी बहुत ही अच्छी लगेगी, टेस्टी। अगर आप कोई गेस्ट आ रहे हैं तो बना के आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। आप बना के रख के इसे आप कोई गेस्ट आ रहे तो फ्राई करके आप उसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी, सिंपल और कम, बहुत ही कम सामानों से मैंने बनाया है इसे और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बस इसे भी देखिए टाइट रोल कर दे रही हूँ मैं। अच्छे से रोल कर दूंगी, उसके बाद मैं इसे भी वैसे ही कट कर दूंगी। साइड का पार्ट निकाल देंगे। और चाकू को आप थोड़ा सा दरदरा चाकू लीजिएगा, जो कटिंग वाला चाकू रहता है उससे बहुत इजीली कट हो जाता है, जिसे ब्रेड कट करते हैं या केक कट करते हैं उस वैसे चाकू अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही ईजीली ये कट होगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कट हुआ और फिलिंग भी कितने अच्छे तरीके से भरे हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी, बाकी मुझे बहुत पसंद है रेसिपी, हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी। आपको ज़रूर एक बार बना के मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो सेलरी हम लोग जो बनाए थे उसमें मैंने तेल डाला है, तेल डाल के इसे डिप, देखिए इसे डिप करेंगे इसमें, क्योंकि कॉर्नफ्लावर है अच्छा सा ये बहुत ही अच्छा बाइंड करेगा और इसे तलेंगे तो बहुत कुरकुरे से लगेगा। सभी को ये हल्का सा इसे डिप करते हुए निकाल देंगे, निकाल के इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए। अगर आपको बहुत जल्दी है तो फ्रीजर में रख दीजिए इसे, ये अच्छे से और सेट हो जाएगा। ये इसलिए मैं इसे फ्रिज में रखने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये देखिए लिक्विड है, आप इसे तुरंत फ्राई करेंगे तो तेल बिल्कुल ख़राब भी होगा और बिल्कुल तड़केगा तेल, इसलिए इसे अच्छा से सूखने दीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर आपको मॉर्निंग में बनाना है तो आप ओवरनाइट इसे रख दीजिए, बहुत ही अच्छा सेट हो जाएगा ये। आप चाहे तो अगर इसे आपको इसमें डिप नहीं करना है तो आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं इसमें तेल डाल के इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि ताकि तिल का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे ऐसे डिप की हूँ। आप चाहे तो नॉर्मली आप ऐसे भी तल सकते हैं। देखिए जैसे ऑयल गरम हुआ उसे में ऐसे गरम ऑयल में डालना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना है। आप इसे पहले अच्छे से गरम ऑयल में डाल के इसे अलट पलट करके आप उसके बाद ही आप इसे फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, उसके बाद ये मीडियम फ्लेम में अच्छे से ये कुरकुरा सा फ्राई होगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ब्राउन कलर आ रहा है, टेम्परेचर का भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल करारी करारी ये नाश्ता बन चुका है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे ले सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दो बैच करके मैं इसे फ्राई कर ली हूँ। अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके इसे मैं निकाल दूंगी। देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे
छलनी के सहारे से थोड़ी देर मैं रख दूँगी ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसके बाद देख सकते हैं मैं इसे सर्व कर रही हूँ, मैं इसे एक बोल में डाल दे रही हूँ। सर ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से सिका भी है, बिल्कुल खस्ता लगता है। अगर आप इसे चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, ऐसे खा लीजिए जैसे ही आपको पसंद हो। हर चीज़ में यह बहुत ही परफेक्ट जाती है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से फिलिंग भरी है। चलिए आगे मैं और कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।